वेलकम बैक व्यूअर्स ऑन हेल्थ मैटर्स. व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे डॉक्टर शेख अली के साथ दिल के बारे में. डॉक्टर साहब, ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे ईकेजी के बारे में. आप कह रहे थे कि नॉर्मल ईकेजी जिन लोगों की होती है उनका बाईपास भी होता है, तो आप सर हमें बताएंगे कि बाईपास क्या है और अगर नॉर्मल ईकेजी है तो फिर पेशेंट्स का बाईपास क्यों हुआ? सो एक एक बार ये ईकेजी में एबनॉर्मलिटी से आ जाते, समटाइम्स नहीं आते जी. नहीं है तो इस तरह से लोगों को हम लोग स्ट्रेस टेस्ट करके चेकअप करते हैं. स्ट्रेस टेस्ट करे बाद कोई प्रॉब्लम नहीं तो एंजियोग्राम करते जी. वो एंजियोग्राम में एक नाड़ा में ब्लॉकेज हुआ बिल्कुल, जहाँ पे कैदर से हम लोग अप्रोच हो सकते जी. वो अप्रोच होकर वहाँ पे स्टेंट कर देते. ठीक. सपोज ये बास नाड़ों में इतना लंबी ब्लॉकेज रहती और तीन नाड़ में भी ब्लॉकेज हो जाती है. आर्टरीज की बात कर रहे हैं? या आर्टरीज की जी. ये जितने आर्टरीज रहते हैं, तीन आर्टरीज रहते हैं, यहाँ पे एक रहेंगे, ये सामने एक रहेंगे, पीछे एक रहेंगे, उसको बोलते हैं LAD, लेफ्ट एंट्री डिसेंडिंग आर्टरी बोलते हैं. एक आर्टरी, दूसरा आर्टरी सर्कम्प्लेक्स आर्टरी, तीसरा आर्टरी राइट कोरोनरी आर्टरी. ये तीन आर्टरीज में ब्लॉकेज है, एक आधा लंबी लेशंस है जी. इस तरह से लोगों को है ना स्टेंट करना बहुत मुश्किल हो जाती. सो उस तरह से लोगों को हम लोगों बाईपास करते जी. जो बाईपास सर्जरी करने का तरीका रहती है, हम लोगों पैर में भी थोड़ा जो वीन्स निकाल देते जी. हाथ में भी आर्टरीज निकालते निकाल लेते हैं, और यहाँ पे चेस्ट के अंदर भी थोड़ा आर्टरीज रहते वो निकाल के जी. दिल के अंदर सपोज यहाँ पे ब्लॉकेज है जी. यहाँ पे ब्लॉकेज रहे तो वो आर्टरी हम लेके आके यहाँ पे मिला देते हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर देते, ताकि ये ब्लॉकेज ऐसे जगह से बाईपास होके ब्लड फ्लो हो जाती. इसी तरह से सेम सपोज आप यहाँ पे ब्लॉकेज है जी. वो आर्टरीज लेके यहाँ से लेके इसको कनेक्ट कर देते. करेक्ट. सो उसी तरह से हम लोगों बाईपास ऑपरेशन कर डालते. ये बाईपास ऑपरेशन करे बाद उनकी सर्कुलेशन बहुत अच्छी रहती है, उनके आउटकम बहुत अच्छी रहती है, इम्प्रूवमेंट सिम्टम्स बहुत अच्छे रहेंगे. सो जब बाईपास हो जाती है उन लोगों को इतिहास से डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप करना है, एक्सरसाइज करना है, उनको डाइट कंट्रोल करना है, दवाएं को सही तरह से लेना है, डॉक्टरों को सही तरह से फॉलो करना है. सो ये चीजें करते रहेंगे ना फिर ये आर्टरीज पूरा मैनेज हो जाते हैं. सपोज ये जो पैर में निकालते सो जो वीन्स है जी. वो असर जल्दी बंद होने का खतरा रहती है. Okay. So, उसलिए उन लोगों को दवा लेके कोलेस्ट्रॉल दवा लेना, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है. जो नाले हम हाथ से जो आर्टरीज हाथ से निकाले चेस्ट से निकाले ना वो थोड़ा लंबी रहेंगे, वो 10-15 साल तक बहुत अच्छे रहेंगे. पैर से निकालते हैं, टांग से निकालते हैं, वो उनके लिए वो थोड़ा जल्दी बंद होने के रहती है. सो इसलिए इन लोगों को बाईपास लोगों को अक्सर हम लोग रिकमेंड करते रेगुलर एक्सरसाइज फॉलोअप करना. ये चीजें करेंगे ना फिर अच्छा खासा. आजकल टेक्नोलॉजी इतना अच्छी है, कोलेस्ट्रॉल दवा भी अच्छे अच्छे ये पूरा आर्टरीज वीन जो कनेक्ट करे लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं इन लोगों. जितना बंदा पेशेंट कितना एहतियात से फॉलो कर रहा है उस पर डिपेंड हो जाता है. सो बेसिकली पेशेंट भी डिपेंड करता है कि वो फॉलो अप कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, मेडिकेशन टाइम पे रह रहा है. डॉक्टर साहब, अभी हमने बाईपास के बारे में बात की है, ओपन हार्ट सर्जरी इज बाईपास और या वो एक डिफरेंट कैटेगरी में आ जाती है? बाईपास सर्जरी वन ऑफ द ओपन हार्ट सर्जरी है. सो ओपन हार्ट सर्जरी में आपको वेल्व्स रहते हैं, मिट्रल वाल, एएर्टी वाल्व, कोई वेल्व्स में ब्लॉकेज रहे तो उसको भी रिप्लेस कर डालते हैं. दिल के अंदर होल्स रहे तो उसको भी फिक्स करते हैं. एंड बाईपास भी वन ऑफ द पार्ट है ओपन हार्ट सर्जरी में. ओपन हार्ट ये सब है ना ओपन हार्ट सर्जरी में करते हैं ये चीज़ पूरा. ठीक है, दोनों कंबाइन ही है, ओपन हार्ट सर्जरी एंड बाईपास. यस. डॉक्टर साहब, आप हाइपरटेंशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे दिल के जो मरीज हैं उनको जो हाइपरटेंशन हो जाती है उसकी वजूहत क्या है? यस, हाइपरटेंशन हम लोगों को ज़्यादातर से हो जाती है एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं. एक चीज़ है वो जिन लोगों हम लोगों एज ग्रोअप होते रहते हैं उन लोगों को रिस्क ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर रहती है. सो जब हाई ब्लड प्रेशर बढ़ते रहती है वो है ना किसी बंदे को उतना सिम्टम्स नहीं रहते. सो हमारे पास आते ऑफिस में 200 ब्लड प्रेशर रहती है, आराम से आके फ्रंट डेस्क में मजाक खेलते रहते. जब अंदर पीछे आ जाएंगे ना हम चेक करते हैं उनका ब्लड प्रेशर 200 रहती, बस 200 बोलने से पेशेंट परेशान हो जाता. जब तक आराम से खेल रहा कूद रहा मगर एक बार बोले तो 200 बोलने से परेशान हो जाती है, हाइपर हो जाते. सो इसलिए उन लोगों को है ना साइलेंट रहती है. ये ब्लड प्रेशर असर हार्ट अटैक स्ट्रोक्स करती है और किडनीज को भी डैमेज करती है. सो इसलिए हम लोगों उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. आजकल गाइडलाइंस इतना टाइट है, हम लोगों ब्लड प्रेशर है ना 110-120 वो रेंज में रख डालते हो जी. उससे बढ़ते रहेंगे ना फिर डैमेज हो जाती है. सपोज 110 ब्लड प्रेशर वालों से कंपेयर करें तो इफ यू टेक 135 ब्लड प्रेशर वाला रहा
उनको डबल हार्ट अटैक से रिस्क रहती है जी। सो इसलिए ब्लड प्रेशर को टाइट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करते हैं, ब्लड शुगर भी 110 से लेस रहने की ट्राई करते हैं हम लोग, ब्लड प्रेशर को भी 110 रेंज में रहने के लिए ट्राई करते हैं। जितना टाइट आप कंट्रोल करेंगे ना उतना अच्छा है उसके लिए। और सब हमारे व्यूअर्स को बताइए कि नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है? नॉर्मल हार्ट रेट अबाउट 72 रहती है, 72 हम लोगों में 60-80 रेंज तक का है ना, बिल्कुल ठीक ठाक है। समटाइम्स 100 को क्रॉस करते हैं ना फिर वो फास्ट हार्ट रेट, उसको थोड़ा कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उसको उसका एक स्पेसिफिकली नाम है जिनकी टैकीकार्डिया बोलते हैं, उसको टैकीकार्डिया। यस, तो उनको कोई खतरा है जान का? जान का खतरा नहीं, उसमें टैकीकार्डिया जब हो जाती है उसमें वेरियस वेराइटीज है, उसमें कार्डियक एरिथमियास बोलते हैं, उसमें कार्डियक एरिथमियास में लोगों को पैल्पिटेशन, धड़कन हो जाती है, हार्ट बीट बहुत तेज जाती है, धड़कन हो जाती है, बस बैठ कर रेस्ट करना पड़ता है, इस तरह से करते रहते लोगों। जब उसमें हार्ट बीट मोर देन 150 होके नैरो, अभी ईकेजी के बारे में बात करें हम लोग, नैरो ईकेजी जो वेव्स रहते हैं वो उसको एसवीटीज बोलते हैं, वो एसवीटीज को है ना ट्रीटमेंट देना पड़ता है, दवा से भी ट्रीटमेंट करते हैं, दवा से नहीं काम करे तो एब्लेशन बोल के करते हम लोग, एक कैथेटर ग्रोइन से डाल के दिल में डाल के जहाँ पे जो जो हार्ट के अंदर जो एरिया में ये एरिथमिया आती है वो एरिया को बर्न कर डालते हम लोग, करे तो फिर उनको एरिथमिया नहीं होती, एसवीटी उसको बोलते हैं। इवन वीटैक भी इसी तरह से करती है, वीटैक को बोलते हैं वाइड क्यूआरएस का टैकीकार्डिया बोलते हैं उसको। सो जो क्यूआरएस रहती है वो वाइड रहती है, सो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ये है ना लाइफ थ्रेटनिंग रहती जी। अचानक बंदे का लाइफ ले सकते हो। सो इसलिए वो उस तरह से सिचुएशन है तो उनको भी है ना, अनदर कार्डियोलॉजिस्ट रहते हैं वो ग्रुप वाले कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं इलेक्ट्रिशियन ऑफ द हार्ट, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट बोलते हैं उन लोग, उन लोगों ये एरिथमियास के साथ डील करते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इस तरह से कोई चीज आ रही तो उन लोगों उसको ट्रीटमेंट दे के पेस मेकर्स डिफिब्रिलेटर डालते हैं उन लोगों, डिफिब्रिलेटर असर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ऐसे लोगों को डालते हैं, जिनका हार्ट के मजल्स कमजोर रहते हैं उनको भी हम लोगों डिफिब्रिलेटर डालते हैं। जिनका हार्ट मजल नॉर्मल है सो उनके पास कोई एरिथमियास नहीं है सो हम लोगों दवाएं से दे डालते हैं उन लोगों को, मगर जिनके पास वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया रखे हार्ट मजल्स वीक है सो उसको इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, हार्ट के मजल के कंट्रैक्शन को हम इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। जब कोई भी डॉक्टर बोले आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन 35 लेस देन 35 राइट, हमारे लोगों को कुछ पता नहीं होता, 35 व्हाट इज इट, हु केयर्स बोलेंगे, 55 है ना नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन है। आपको 35 और लेस देन 35 कोई डॉक्टर बोला उसका मतलब है आपको है ना डिफिब्रिलेटर डलाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आपको सडन कार्डियक डेथ का रिस्क बहुत ज्यादा है, एकदम एरिथमिया होके लाइफ चले जा सकते हैं। सो इस तरह से जब है ना आप इलेक्ट्रिशियन ऑफ द हार्ट को देख के उसके बारे में कंसल्टेशन करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब आप जरा रोशन डालेंगे कि इरेगुलर हार्ट बीट क्या है और जो हार्ट की जो साउंड आती है जिसे हम कहते हैं लब डब, जिसे चेंज होती है? जी बहुत अच्छे सवाल आते हैं डॉक्टर साहब, इसका हम आंसर लेंगे आपसे लेकिन एक ब्रेक के बाद। व्यूअर्स विल बी राइट बैक। व्यूअर्स आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं ईमेल के थ्रू, आप हमें ईमेल कर सकते हैं @healthmatterslife@gmail.com। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक।